अभी हम जा रहे हैं एक बहुत ही एक अच्छा एक लोकेशन आई हुई है जिसका नाम है कबीश्वर माधव मंदिर। कहते हैं कि वो एक पुराना मंदिर है, कबीश्वर माधव का मंदिर है, जो कि कामेश्वर माधव के पीछे आया हुआ है। और काफ़ी अच्छी एक जो वहाँ पर एक तपस्वी रह चुके हैं गलबा राम जी, जिसका पूरा नाम मैं आपको बताऊँगा, गगनगिरी नाम है उनका। तो तपस्वी रह चुके हैं, भगवान शिव शंकर ने उनको वहाँ पर्चा दिया था। तो जो भी वहाँ जो घटनाएं घटी है और वहाँ की जो लोकेशन है, आज हम आपको वहाँ चलकर बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग पास में ही है। हम आपको धीमे सारी लोकेशन वहाँ की हिस्ट्री वगैरह आपको पूरी हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। अभी हम जा रहे हैं कामेश्वर महादेव मंदिर, सॉरी कबीश्वर महादेव मंदिर, जो काफ़ी अच्छा पुराना धाम है। आप देख सकते हैं इसकी जो काफ़ी हरियाली है वो काफ़ी अच्छी आई हुई है यहाँ पर। ये जो रोड है आप देख रहे हैं, सीधा वहीं पर जाएगा। आज आपको यहाँ से हम एक नई लोकेशन के दर्शन करवाएंगे, जो एक तपोभूमि रही है, तपस्या हुई है वहाँ पर। और किसकी तपस्या हुई है, इसका नाम है गलबा राम जी, गगनगिरी महाराज, गलबा राम जी महाराज। और कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर घोर तपस्या की थी और शिव जी ने कई रूपों में आकर उनको दर्शन दिया था। तो उस अद्भुत लोकेशन के दर्शन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। काफ़ी समय बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसी कोई और लोकेशन होगी तो हम और भी आपको ऐसे वीडियो बनाएंगे। पिछली बार आपने हमारा जय बांध वाला वीडियो देखा था, और जय बांध के बाद में जो एरनपुरा का जो जय बांध का वीडियो था, उसके बाद में हमने दूधनी गांव के इतिहास के बारे में आपको बताया था। इस बार हम आपको कबीश्वर महादेव मंदिर, जो कि गलबा राम जी महाराज की समाधि भी है, तो वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे और वहाँ के इतिहास से आपको रूबरू करवाएंगे। ठीक है, और बहुत ही अच्छा गांव है यहाँ पर, रबारी वगैरह काफ़ी अच्छे रहते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यहाँ से हम सीधा चलेंगे इस रास्ते की तरफ, तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीधा हम यहाँ पर।
मंदिर है, यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम भी पहुँच चुके हैं इस मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है तपोभूमि श्री तदोसर महादेव मंदिर। गुरुदेव श्री श्याम गिरी जी के शिष्य श्री गगन गिरी जी महाराज आश्रम। ये जो आश्रम है ये गगन गिरी महाराज का आश्रम है। और इससे पहले श्याम गिरी जी जो महाराज है वो यहाँ पर रह चुके हैं। अभी अंदर अगर देखते हैं यहाँ पर कोई महाराज है तो उनको उनका यहाँ का इतिहास देने के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ का प्राचीन मंदिर है तो चलते हैं। ये वही पीपल का पेड़ है जहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ पर पहले घंटियों की और ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती थी, अब आती है कि नहीं आती है यहाँ पूछने पर हमें पता चलेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा पुराना पेड़ है, आप देख सकते हैं। यहाँ से सीधा रास्ता है, यहीं से जाने का रास्ता है। यहाँ से जाने का रास्ता है, मैं आपको बताऊंगा। काफी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर चारों तरफ इधर से उधर पानी पड़ा हुआ है। प्राचीन मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ कामेश्वर महादेव मंदिर इसी को बोलते हैं, जो जस्ट उसके कामेश्वर महादेव मंदिर के पीछे आया हुआ है। कामेश्वर महादेव मंदिर का पार इसके जस्ट पीछे है और इसके पीछे ये मंदिर आया हुआ है। इसकी यहाँ पर एक यह आश्रम जो है एक तपस्वी की तपोभूमि है और यहाँ पर तपस्वी रह चुके हैं। यहाँ पर जिसमें मैंने आपको जिक्र किया था गलबाराम जी हैं। यहाँ पर हर कोई आता है, दर्शन करते हैं और अपने मन की शांति मिलती है। यहाँ पर आपको कितना शांत वातावरण है यहाँ पर।
मानना है कि इस मंदिर के आसपास जब यह घंटिया इस पीपल के पेड़ के आसपास जब कोई घंटिया या नगड़े की आवाज़ सुनाई देती थी यहाँ पर, उन लोगों को सुनाई देती थी जो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ चराने आते थे, उन लोगों को यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती थी पहले तो यहाँ पर क्या चल रहा है, आवाज़ें की क्या, क्योंकि ये तपोभूमि थी, उस तपस्वी से ये तपोभूमि के कारण ये भूमि तपहित हो चुकी है, इसी कारण यहाँ पर जो ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देती। अंदर के आगे की तरफ चलते, पास ही के एक पहाड़ी पर भेड़ बकरियां चराने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति से हमने यहाँ के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। यहाँ थोड़ी बहुत कोई हिस्ट्री वगैरह है कि यह कितना पुराना मंदिर है, ये तपोभूमि तो किस कारण से है? माता बापड़े मतलब घनी बात 40 साल पहला रही, कम से कम 40 साल, 40 साल पहला, हाँ 40 साल तक ये नैनका ताजी है बाप से बेटा ना आ गया अब बेटा बाद कोई नहीं तो बेटा इस पड़ी ये बाप ने खाब ने बहुत देखी जवाबड़ी बाद में बड़ी बाद में तो बापसी ते आदमी ले वादी वादी धीरे 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 सब तो बापसी जैसे क्या मतलब महाराज पहला जैसे कोई तपस्या की थी पंजी महाराज अच्छा पंजी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी पंजी महाराज वादी से कभी से अच्छा कभी से लिया अन्य बाद में जैसे बाहर लिखेड़ो है श्यामगिरी महाराज था अच्छा पंजी महाराज हो बात देख लो गलबा महाराज इन्हीं का नाम है अच्छा इनको श्यामगिरी महाराज भी कहते हैं गलबा राम जी गगनगिरी महाराज ओबरे मतलब ओबरे भाषा में गलबा महाराज हाँ गलबा महाराज है जानो गाज में बाबा मुगाज गगनगिरी महाराज तो यहाँ पर मतलब गगनगिरी महाराज ने तपस्या की थी तो मतलब मेन इतिहास बस यही है इतिहास कोई पर्चा वगैरह या कोई देखने लायक पर्चा वगैरह जैसे मुझे अभी मैंने देखा एक पीपल के पेड़ पर साइकिल लटकी हुई है हाँ तो साइकिल तो इसे कोई मिली है अच्छा अच्छा हाँ तो कोई मिली है लोग कहते हैं कि यहाँ पर के साइकिल मोटरसाइकिल वगैरह ऑटोमेटिक चढ़ जाती ना, थी ऐसा सुना ऐसा नहीं है वो बड़ी झूठ नहीं बोलती हाँ अच्छा अच्छा ये झूठ बोलना गलत है हाँ नहीं झूठ नहीं होना चाहिए सुना है कि वो मैंने देखा है कि साइकिल पड़ी है लेकिन ऊपर मिली है हाँ ये हो सकता है यह परसा इसे ये वड़ है वो कोई काटे नहीं अच्छा ये जो बड़े अच्छा मंदिर के पास में हाँ इसको कोई काटे नहीं सकता वो परसों एक बार कोई देवासी डोगर तो मैंने गाय दिया पहले ले दिया मैं अब आराम में सरवान नहीं है जी सरवान नहीं तो अच्छा अच्छा काट काटिए तो इसके उनने भी ये गबड़ बमी जी भी अंदरवा के बड़ पूरी ये वाला मंदिर है परसों अच्छा अच्छा मतलब इससे ये जो बड़ले का पेड़ है इसको कोई काट नहीं सकता शिव जी का यहाँ पर पर्चा है यहाँ पर महादेव का तो काफी अच्छा लगा हमको यहाँ पर आकर महाराज जी वो मंदिर का ही जोड़ दे जोड़ दे हाँ महाराज जी जानो मतलब ये मतलब ये पुराना पेड़ है पवित्र पेड़ है पेड़ ही पुराना ना स्थानीय काफी पुराना पुराना होता काफी पुराना बीचों बीच में आया हुआ है यहाँ पर जंगल के बीचों बीच में जो हर कोई नहीं आ सकता ये जो तपोभूमि है बस तपस्या करना हर किसी के बात की बात बस की बात नहीं होती उसके लिए एकांत स्थान चाहिए बस जो मन में धार लेता है वही तपस्या तपस्या कर सकता बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पर और आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा आपने हमें यहाँ के इतिहास के बारे में बताया बढ़िया ठीक जी ये क्षेत्र घने पेड़ और पहाड़ों से घिरा पड़ा है या आने वाले हर श्रद्धालु को एक अपार शांति का अनुभव प्राप्त होता है।
पर। इसकी भी कई किंवदंतियाँ, पता नहीं किस महाराज ने इसका निर्माण करवाया था, हमें पूरी तरीके से इसका पता नहीं चला। हमने दो चार जनों ने लोगों को पूछा लेकिन हमें इसका पूरा इतिहास मालूम नहीं चल सका। इसका हम जब फिर कभी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे तो हम इस यहाँ के इतिहास के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जैसा मुझे प्रतीत होता है कि यहाँ से आप देख सकते हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ है, तो ये एक बावड़ी है, तो यहाँ से नीचे उतरते होंगे और यहाँ से नीचे उतर कर यहाँ से जाते हैं इस बावड़ी के अंदर। और यहाँ देख सकते हैं आप कितना पानी भरा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कभी काल नहीं पड़ता, मतलब पानी कभी सूखता नहीं है इसके अंदर। और इसके जो अंदर है वो बारी वगैरह कोई पड़ी हुई है, यहाँ पर ये बैठकर तपस्या वगैरह करते थे, देख सकते हैं यहाँ पर ये। यहाँ पर ये तपस्या करते थे। यहाँ एक इस तपोभूमि में बहुत ही अच्छा एक श्री हनुमान जी का मंदिर, और यहाँ हर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक धर्मशाला की व्यवस्था भी कर रखी है। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही अच्छी प्रतिमा गलबाराम महाराज की कुछ लोगों ने स्थापित कर रखी है, जो श्रद्धालु आते हैं वो दर्शन करते हैं। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको यहाँ की तपोभूमि के बारे में बताया। गलबाराम जी की जो तपोभूमि है, यहाँ पर कहता है कि गलबाराम जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। काफ़ी अच्छा लोकेशन है यहाँ पर देखने की, और हम आगे भी इसी प्रकार से ऐतिहासिक वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए अपने लाइक, तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे लोगों को भी बताएं, ताकि हम ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। धन्यवाद।